तो है गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। भाई आज का वीडियो किसके ऊपर होने वाला है, देखो यार सीएस रैंक में न्यू सीजन चालू हो चुका है यार। सभी बंदे मास्टर या फिर ग्रैंड मास्टर में जाने के लिए पड़े हुए हैं, पुश कर रहे। अभी यार उनके पास तो सब कुछ है सिवाय ओपी बॉड गेमर के टिप्स के। हाँ गाइस यार, आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे 10 टिप्स देने वाला हूँ जो आपको हिला के रख देने वाला है। और इन टिप्स का जो खास बात है ये है कि आप लोग ये टिप्स को अपने खुद के स्क्वाड के साथ भी यूज कर सकते हो और रैंडम प्लेयर्स के साथ भी यूज कर सकते हो। तो भाई यार, अगर आप लोग ये टिप्स को फॉलो करोगे तो आप लोग बहुत ही इजिली मास्टर या फिर ग्रैंड मास्टर तक जा सकते हो क्लैश स्क्वाड रैंक में, वो भी रैंडम प्लेयर्स के साथ। और गाइस देखो यार, OB35 अपडेट के बाद हमारे गेम में जो सेंसिविटी था वो सेंसिविटी बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो यार बेस्ट हेडशॉट सेंसिविटी के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा या फिर इस वीडियो को बिल्कुल अंत में आपको वो वाला वीडियो मिल जाएगा, तो जाके जरूर देख लेना। फिलहाल के लिए चलो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस देखो यार, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को बिना स्किप करे पूरा एंड तक देखें, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो को स्किप करके देखोगे तो बहुत जगहों पे मिस कर जाओगे और शायद आपको वीडियो समझ ना आए। तो यार वीडियो को स्किप करना बंद करो। तो गाइस बात करते हैं हमारे सबसे पहले टिप्स के बारे में। देखो यार, पहला राउंड जब चालू होता है तो वहां पे हमें दो गन खरीदने का ऑप्शन मिलता है। सबसे पहले गन में रहता है M500 और दूसरे गन कॉम्बिनेशन में रहता है WSP या फिर G18। तो यार देखो, जिनको वन टाइम मारना अच्छे से नहीं आता है तो वो लोग कभी भी M500 को मत खरीदे, आपको वहां पे G18 या फिर WSP को खरीदना है, जिससे आप लोग एक दो एनिमी को डाउन कर पाओ और वो राउंड को बहुत ही इजीली जीत पाओ, क्योंकि फर्स्ट राउंड जीतना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर फर्स्ट राउंड को आप लोग नहीं जीत पाओगे तो सेकंड राउंड में जीतने का चांस भाई 45% है। और जिनको यहाँ पे अच्छा खासा वन टाइम मारना आता है तो वो लोग M500 को खरीद सकते हो। तो बात करते हैं हमारे सेकंड टिप्स के बारे में। देखो यार, पहले राउंड अगर आप लोग जीत जाते हो तो वहाँ पे दूसरे राउंड में क्या होता है कि वहाँ पे आप लोग SMG गन खरीदने का आपको ऑप्शन मिलता है, जो एनिमी लोग को नहीं मिलता है। भाई एनिमी के ओपोनेंट में जो एनिमी है वहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा कोई SMG गन खरीद सकता है, और उसका जो और जो पार्टनर है वो भाई कोई लॉल वाला गन खरीद के लाता है। लेकिन आपके स्क्वाड में जितने भी बंदे, हर एक बंदे SMG गन को खरीद पाएगा। तो आप लोग क्या करना कि SMG गन जैसे ही खरीदे तो वहां पे आपको सेकंड राउंड में क्या करना है कि आप लोगों को एनिमी के ऊपर एकदम से रश करना है, ठीक है ना। आप लोगों को एनिमी के ऊपर रश करना है। क्यों रश करना है? क्योंकि एनिमी के पास अच्छा खासा गन नहीं है, लेकिन आप लोगों के पास अच्छा खासा गन है, तो आप लोग बहुत ही इजिली सेकेंड राउंड को भी जीत जाओगे। हाँ भाई, बहुत ही इजिली सेकेंड राउंड को भी जीत जाओगे, क्योंकि आप लोगों के पास अच्छा खासा गन है जो एनिमी लोगों के पास नहीं होगा। तो बात करते हैं हमारे थर्ड टिप्स के बारे में। देखो, यह टिप्स भी बोल सकते हो या फिर मिस्टेक भी बोल सकते हो। आप लोग बहुत ज्यादा ये गलती करते हो, क्या करते हो कि अगर आपका कोई भी पार्टनर कोई भी एनिमी को डाउन करता है या फिर आप लोग कोई भी एनिमी को डाउन करते हो तो उस एनिमी को आप लोग पूरा फिनिश ना करके आप लोग दूसरे एनिमी को मारने चले जाते हो। तो ऐसे वक्त पे उस एनिमी का जो पार्टनर है वो यहाँ पे ग्लूवल लगा के कवर देके उसको रिवाइव कर देता है, और फिर जब आप लोग उनको मारने जाते हो तो वहां पे आप लोगों को वो बंदे मार देते। तो भाई ये मिस्टेक आपको कभी भी नहीं करना है। अगर आपका पार्टनर कोई भी एनिमी को डाउन करता है या फिर अगर आप कोई भी एनिमी को डाउन करते हो तो भाई आप लोग वहां पे मर जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन उस बंदे को पूरा खत्म करने के बाद ही आपको मरना है, क्योंकि उस बंदे को अगर आप लोग पूरा खत्म नहीं कर पाओगे तो वहां पे एनिमी का टीममेट कम नहीं होगा और वो एनिमी के पास ज्यादा चांसेस रहेगा कि वो लोग ये राउंड को जीत जाए। तो आप लोगों को जब भी कोई भी डाउन एनिमी दिख जाए तो उस एनिमी को आपको पूरा फिनिश कर देना है। तो अभी बात करते हैं हमारे फोर्थ टिप्स के बारे में। तो यहां पे आपको क्या करना है, देखो यहां पे गेम के सेटिंग के अंदर जाना है, उसके बाद जाने के बाद यहां पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे आपको आना है, और यहां पे अगर आप लोगों ने कोई भी मैप को डाउनलोड करके रखा है, चाहे अल्फिन हो, बारमूडा डिंगवा स्टार्ट हो या फिर कोई भी परगेटोरी का जो न्यू मैप है वो मैप हो, कोई भी मैप हो, यहां से आपको कोई भी मैप को डाउनलोड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? अगर आप लोग यहां से मैप को डाउनलोड नहीं करोगे तो आपका CS रैंक में वो वाला मैप आएगा ही नहीं। हाँ भाई, यही तो मजे की बात है ना। तो वहां पे सिर्फ आपको एक ही मैप में गेम प्ले करने को मिलेगा जो है बरमूडा। हाँ भाई, बरमूडा मैप पे आपको गेम प्ले करने को मिलेगा, और बहुत सारे बंदे बरमूडा मैप पे अच्छा खासा गेम प्ले कर पाते, क्योंकि यार बरमूडा मैप पे हम लोग पहले से ही बहुत पहले से गेम प्ले करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से बरमूडा मैप पे हम लोग बहुत ही अच्छा खासा गेम खेल पाते। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से आपको जो भी मैप है वो मैप को आप लोगों को यहाँ से डिलीट कर देना है। तो आपके गेम में सिर्फ एक ही मैप आएगा, तो आप लोग एक ही मैप में और भी अच्छा गेम प्ले कर पाओगे। तो बात करते हैं हमारे फिफ्थ टिप्स के बारे में, जो कि है कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। देखो यार, यहाँ पे आपको कुछ ऐसे कैरेक्टर कॉम्बिनेशन रखना है जिससे आपको हीलिंग का पावर मिल जाए, मतलब हीलिंग का बैकअप आपको मिल जाए जिस कैरेक्टर से। तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपके पास अलोक है तो यहाँ पे आप लोग अलोक यूज करें। अलोक के साथ साथ आपको क्या यूज करना है, यहाँ पे सबसे पहले शॉल्ट में आपको रखना है गैंगस्टर स्प्रिट। हाँ भाई, यहाँ पे क्या होगा कि इससे आपको हर राउंड में 40
30 HP एक्स्ट्रा मिल जाएगा जो बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। उसके बाद दूसरे सॉल्ट में आपको क्या रखना है, यहाँ पे आपको मैक्सिम की एबिलिटी रखना है, क्योंकि जब मेडिकेट चैलेंज होता है या फिर अगर आपको एनिमी बहुत ज़्यादा डैमेज दिया है तो वहाँ पे बहुत ही फास्ट आप लोग मेडिकेट को खा सकते हो, तो यहाँ पे आपको मैक्सिम को लगाना है। और थर्ड सॉल्ट में आपको यहाँ पे केली की एबिलिटी लगाना है। क्यों केली लगाना है, क्योंकि यार जब कोई एनिमी आपको मारेगा तो वहाँ पे अगर आपको भागना है तो यहाँ पे केली आपको मदद करेगा बहुत ही फास्ट भागने में, तो यहाँ पे आपको केली यूज़ करना है। और जिनके पास आलोक नहीं है तो भाई ये सेम कैरेक्टर सॉल्ट आप लोग यूज़ करें उकोंग वाले कैरेक्टर में। अब देखो यार उकोंग वाले कैरेक्टर सबको फ्री में मिला ही होगा, तो उकोंग वाले कैरेक्टर में आप लोग ये पूरा सॉल्ट यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलने वाला है। और गाइस देखो यार मैं बेस्ट हेडशॉट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ, अगर आप लोग कमेंट में यस बोल के मुझे कमेंट करोगे तो मैं बेस्ट हेडशॉट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। वीडियो भाई बहुत ज़्यादा सा रेडी भी है, सिर्फ आप लोगों को कमेंट करना है यस बोल के, तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। तो बात करते हैं हमारे 6 टिप्स के बारे में। देखो यार 2-3 राउंड गेम प्ले करने के बाद वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा रैंडम प्लेयर बहुत ही अच्छा खासा खेल रहे, तो आपको क्या करना है कि आपको ऑलवेज उसी रैंडम प्लेयर को कवर देना है, मतलब उसके साथ रहना है, क्योंकि वो रैंडम प्लेयर बहुत ही अच्छा खेल रहा है। तो यार उसके साथ अगर आपको वो बंदे को कवर दोगे तो वहाँ पे बहुत ही आसानी से आप लोग मैच को जीत सकते हो, क्योंकि अगर आप लोग दो बंदे रहोगे तो बहुत ही इजिली मैच को जीत सकते हो। तो यार 2-3 राउंड के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सा रैंडम प्लेयर बहुत ही अच्छा खेल रहा है, तो आपको उसी बंदे को हमेशा कवर देना है। अभी बात करते हैं हमारे 7 टिप्स के बारे में, जो कि है होल्ड ऑन फायर। देखो यार आपको कभी भी रश नहीं करना है, आप लोग माइक खोल के अपने रैंडम प्लेयर्स को बोल दो कि भाई रश करके मत खेलो, यहाँ पे होल्ड करके खेलो, क्योंकि अगर एनिमी आप लोगों के ऊपर रश करेगा तो वहाँ पे एनिमी लोगों को मारने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगा, लेकिन अगर आप लोग एनिमी के ऊपर रश करोगे तो वहाँ पे आप लोग एक एक करके पूरा मर जाओगे। तो आप लोग माइक खोल के बोल सकते हो कि भाई लोग यार यहाँ पे होल्ड करके खेलो, या फिर आप खुद यहाँ पे होल्ड करके खेलना, दूसरे बंदे को कवर देना। अभी बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टिप्स के बारे में, जो कि हाई डैमेज गन यूज़। देखो यार आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको हाई डैमेज वाला गन यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे अगर AC-80 गन मिल जाता है तो वो गन आपको खरीद लेना है, या फिर अगर यहाँ पे वुड पेकर गन मिलता है तो यहाँ पे आपको वुड पेकर गन खरीदना है। तो ऐसे हाई डैमेज वाला गन यूज़ करना है, क्योंकि इससे एनिमी को तगड़ा वाला डैमेज आएगा और वहाँ पे एनिमी डाउन होगा या फिर एनिमी का मेडिकेट बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा, तो आपको इसलिए ऐसे हाई डैमेज वाला गन यूज़ करना है। अभी बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टिप्स के बारे में, जो कि गन प्लस ग्लोअल। देखो बहुत सारे बंदे ये गलती करते हैं कि वो लोग गन तो खरीदते हैं लेकिन ग्लोअल नहीं खरीदते, उनके पास कॉइन कम होता है जिसके वजह से उन लोग ग्लोअल नहीं खरीद पाते। तो यार सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आप लोग एक ग्लोअल खरीदो और उसके बाद जो भी आपके पास कॉइन है उससे जो गन होगा वो गन खरीदो, क्योंकि यार एक ग्लोअल होना आपके पास बहुत ज्यादा सेफ्टी है, क्योंकि आप लोग रैंडम प्लेयर्स के साथ खेल रहे हो तो वो बंदा आपको कवर नहीं देगा, जिसकी वजह से आपको खुद का सेफ्टी खुद को लेके चलना पड़ेगा। तो आप लोग सबसे पहले एक ग्लोअल खरीदो और उसके बाद जो भी कॉइन बचा है उससे आप लोग एक गन खरीद लो। अभी बात करते हैं हमारे लास्ट टिप्स के बारे में, जो कि रिवाइव योर पार्टनर। भाई बहुत सारे बंदे ये गलती करते हैं कि वो लोग अपने पार्टनर को रिवाइव नहीं देते, वो लोग सोचते हैं कि भाई ये नुबड़ा कैसा खेलेगा, इसको रिवाइव देके क्या फायदा मिलेगा। नहीं नहीं भाई, ये गलती आपको कभी भी नहीं करना है। अगर आपके टीम में कोई भी पार्टनर डाउन होकर रहा है तो उसको जाके ग्लोअल लगा के जल्दी से जल्दी रिवाइव दो, क्योंकि आपके टीम मेट जितना ज्यादा होगा तो वहां पर उतना ही चांसेस ज्यादा होगा कि आप लोग मैच को वहां पर जीत सको। तो इसलिए अगर कोई भी पार्टनर आपका डाउन हो जाता है तो उसको रिवाइव दो, और अगर आप लोग उसको रिवाइव देते हो ना तो वो बंदा भी आप लोग जब डाउन हो जाओगे तो वहां पर वो बंदा भी आपको रिवाइव देगा। तो इसलिए आपको हर एक पार्टनर को रिवाइव देना है अगर वो बंदा डाउन हो जाता है। तो गाइस अगर आप लोग ये सारे टिप्स को फॉलो करोगे तो रैंडम प्लेयर्स के साथ भी आप लोग हर एक मैच को जीत सकते हो सीएस रैंक में, और आप लोग ग्रैंड मास्टर या फिर मास्टर में बहुत इजीली पुश कर सकते हो। अब देखो यार राइट साइड में आपको बेस्ट सेंसिटिविटी के ऊपर वीडियो मिल रहा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके वहां पे देख सकते हो। और गाइस यार लेफ्ट साइड में आपको डेजर्ट ईगल से हेडशॉट कैसे मारे उसके ऊपर वीडियो मिल रहा है, तो अगर नहीं देखा है तो आप लोग जाके ये दोनों वीडियो देख सकते हो।